नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट लेमन ग्रास के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेमन ग्रास को हम किस तरह से ग्रो या मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इसके यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, लेमन ग्रास एक हर्बेसियस प्लांट है और इसकी पत्तियों और इसकी पत्तियों से बनाए गए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बहुत सी दवाओं को बनाने में किया जाता है। लेमन ग्रास का इस्तेमाल खास करके पेट दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, उल्टी, खांसी, जोड़ों के दर्द जिसे हम गठिया कहते हैं, या फिर बुखार और सर्दी जुकाम की दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग सिर दर्द और मांसपेशियों के दर्द में इससे बने हुए एसेंशियल ऑयल को सीधे दर्द वाले स्थान पर लगाते हैं, जिससे दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। भोजन और पेय पदार्थों में इसका इस्तेमाल स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसकी ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल खास करके हर्बल टी बनाने में किया जाता है। अगर आप इसकी ताज़ी पत्तियों को तोड़ करके मसलेंगे तो इससे नींबू की तरह बड़ी ही प्यारी स्मेल आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सोप और कॉस्मेटिक्स में फ्रेग्रेंस ऐड करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, लेमन ग्रास में बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन सी, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैंगनीज जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, लेमन ग्रास हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। यह इजीली आपको आपके लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा या आपको आपके पास पड़ोस में भी मिल जाएगा, तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। चलिए बात करते हैं लेमन ग्रास को कैसे ग्रो या मल्टीप्लाई करें और इसकी प्रॉपर केयर कैसे करें। तो आप जो ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, करीब 1 साल हो गए हैं इसको लगाए हुए मुझे, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, जबकि मैंने सिर्फ छोटे छोटे 2 प्लांट ही लगाए थे इस पॉट में। और अभी अगर मैं इसको इनकी रूट्स को डिवाइड करूं तो करीब करीब मुझे 5 से 6 प्लांट मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको 1 साल पीछे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि मैंने इस प्लांट को कैसे लगाया था, कैसे ग्रो किया था। दोस्तों, एक कुछ लेमन ग्रास के प्लांट मैं पड़ोस से बिल्कुल फ्री में लेके आया था और पड़ोसी ने मुझे एक खोद करके एक साथ ही सारे प्लांट दे दिए थे। और जब मैंने इनकी रूट पर लगी मिट्टी को अच्छे से साफ किया और इनको डिवाइड किया तो मुझे कुल 4 प्लांट मिले हैं। तो इनको बड़े ही आसानी से आप इनकी रूट को डिवाइड करके एक प्लांट में से कई प्लांट बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके पॉट में बहुत सारे बेबी प्लांट हो गए हैं तो आप उनको खोद करके निकाल लें और प्लांट को एक नए पॉट में शिफ्ट करके एक नया प्लांट आप तैयार कर सकते हैं जब चाहें तब। लेमन ग्रास को अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, क्योंकि ग्राउंड में इस प्लांट को बहुत ही पर्याप्त जगह मिलता है और इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसे पॉट में लगाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसे पॉट में लगाते हैं तो आप हमेशा एक बड़े साइज़ का पॉट यूज़ करें, जो कि मिनिमम 12 से 14 इंच का हो स्टार्टिंग में, ताकि प्लांट को लगाने के बाद प्लांट के आसपास पर्याप्त जगह मिले, जिसे समय समय पर इससे बेबी प्लांट निकलते रहें और यह अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहे। इसे लगाने के लिए मैंने ये मिट्टी का पॉट यूज़ किया था जो करीब करीब 12 इंच का होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके लिए पॉटिंग मिक्स किस तरह से बनाया था, इसके लिए किस तरह का पॉटिंग मिक्स यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पॉटिंग मिक्स को पहले से ही बना के रख लिया था। इस मिक्सचर में मैंने करीब 50% के आसपास मैंने अपने गार्डन से सॉइल को लिया था, नॉर्मल गार्डन सॉइल को, और इसमें 20% के करीब मैंने सैंड ऐड किया था, मोटे दाने वाली, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। और लास्ट में इसमें मैंने 30% के आसपास अच्छी तरह से डिकम्पोज का मैनर लिया था। तो इसी तरह से आप भी अपने लेमन ग्रास के लिए पॉटिंग्स बना सकते हैं। दोस्तों, लेमन ग्रास को ऐसी मिट्टी पसंद है जो हमेशा थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, जो अपने अंदर मॉइस्चर को थोड़ा सा रिटेन करके रखे। तो चलिए दोस्तों, हम पॉटिंग्स को फिल कर लेते हैं और अपने प्लांट्स को लगा लेते हैं। लेमन ग्रास के लिए कभी भी आप बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल का यूज़ ना करें जो बहुत जल्दी सूख जाए, ऐसे पॉटिंग मिक्स को आप बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि इसे हल्का सा मॉइस्चर बहुत पसंद है। अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है तो इसके जो पत्ते हैं बहुत जल्दी सूखने लगते हैं और पीले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए पॉट में हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, जिससे आपके लेमन ग्रास की ग्रोथ हेल्दी वे में होती रहे। लेमन ग्रास को लगाने के बाद इसे ऐसे लोकेशन पर रखें जहाँ इसे पर्याप्त डायरेक्ट सनलाइट मिल सके, क्योंकि अगर इसे पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलती है तो इसके जो पत्ते हैं वह रेडिश से होने लगते हैं, इसके पत्तों का कलर लाल होने लगता है और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसे पर डे कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। इस प्लांट के वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लेमन ग्रास को थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो इसलिए समर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, मौसम बहुत अधिक गर्म होता है, तो ऐसे में पॉट की जो मिट्टी है बहुत ही जल्दी जल्दी सूखने लगती है। तो इसलिए समर सीजन में इसमें आपको पर डे वाटरिंग करनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो पॉट की मिट्टी है वह पूरी तरह से कभी भी सूखने ना पाए। लेकिन विंटर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो ऐसे में एक बार वाटरिंग करने के बाद आपके पॉट की जो मिट्टी है बहुत लंबे समय तक मॉइस्ट रहती है
और विंटर सीजन में इस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी रुक जाती है, तो इसलिए आप विंटर सीजन में इस प्लांट में बहुत ही कम वाटरिंग करें, हफ्ते 10 दिन में एक ही बार वाटरिंग करेंगे तो भी इसके लिए पर्याप्त रहेगा। तो दोस्तों मैं कुल 4 प्लांट लाया था, जिसमें से मैंने इस पॉट में सिर्फ 2 ही प्लांट लगाए थे और 2 प्लांट मैंने बचा लिया था। ये देखिए, ये 2 प्लांट्स को मैंने बचा लिया था ग्राउंड में लगाने के लिए। दोस्तों पेस्ट और डिसीजेस की बात करें तो इस प्लांट पे किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि यह खुद ऐसा प्लांट है जिससे इंसेक्ट दूर भागते हैं, और आज तक मैंने अपने इस प्लांट पे किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक नहीं देखा। फिर भी कभी कभी अगर इस पे स्पाइडर माइट्स जैसे इंसेक्ट का अटैक देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आप नीम ऑयल स्प्रे या फिर लिक्विड डिशवाश सोप का स्प्रे करके उन इंसेक्ट को दूर रख सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि लेमन ग्रास को मैं किस तरह से ले आया था और किस तरह से मैंने इसे लगाया था, और इसमें आप देख भी सकते हैं कि 1 साल बाद करंट समय में इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। दोस्तों यह एक ग्रासी प्लांट है, तो इसलिए इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। आप इसे महीने में एक बार अच्छी तरह से डिकम्पोज का मैन्योर दे सकते हैं। मैं भी अपने इस प्लांट में हर महीने सिर्फ थोड़ी सी करीब 1 मुट्ठी के करीब का मैन्योर दे देता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ कितनी सी चल रही है। और कामिनर न होने पे आप बर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस खूबसूरत से हर्बेसियस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत लगता है और साथ ही हमारे लिए बहुत ही तरीक़ों से फ़ायदेमंद भी है। और नर्सरी पर इस प्लांट की कीमत बहुत ही कम है, मुश्किल से 30 से 40 रुपये में यह प्लांट आपको मिल जाएगा। हालांकि ऑनलाइन यह प्लांट करीब 200 से लेकर के 250 रुपये तक बिकता है, बट नर्सरी पर यह बहुत ही कम कीमत में आपको ईजिली मिल जाएगा, या फिर आपके पास पड़ोस में भी यह प्लांट देखेंगे तो मिल जाएगा फ्री में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे आपको चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।